स्ट्रेट बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सूर्यावा के पूरे मनोहर गांव में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने तय समय में काम पूरा कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया। डीएम ने कहा कि स्टेडियम और खेल के मैदान विकसित होने से गांव की प्रतिभाएं निखरेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण स्पोर्ट्स सेंटर में युवाओं का शारीरिक विकास एवं सामाजिक सौहार्द, प्रतिस्पर्धा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सभी ग्रामीणों के सुबह शाम टहलने की व्यवस्था की जा रही है। स्टेडियम की बाउंड्री के रूप में एल्युमिनियम की जाली का प्रयोग सहित अन्य कार्य मानक के रूप में मिलने पर डीएम ने ग्राम प्रधान और सचिवों को ऐसा ही करने का निर्देश दिया। डीएम ने बताया कि खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया के तहत ग्रामीण अंचल में खेल के मैदान का मॉडल विकसित किया जा रहा है। सीडीओ यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि जिले के 546 ग्राम पंचायतों में 43 में ग्रामीण स्पोर्ट्स हब निर्माणाधीन है। बचे हुए ग्राम पंचायतों में जल्द ही निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व मनोहरपुर की तरह चकमनधाता में मिनी स्टेडियम, ब्लॉक जी के बनकट उपरवार, ब्लॉक भदोही के उमरी त्यागी गांव पंचायतों में खिलाड़ियों युवाओं की ओर से प्रयोग किया जा रहा है। इस मौके पर डीपीआरओ राकेश कुमार यादव और जिला पंचायत सदस्य आशीष सिंह मौजूद रहे। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ग्रामीण स्पोर्ट्स हब और स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की मुहिम पूरे भदोही में ये छेड़ी गई है। पूरा विकास डिपार्टमेंट इसमें पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि हम लोग जो साढ़े 500 हमारे 546 ग्राम पंचायतें हैं उसमें यथासंभव जहाँ भी हो छोटे बड़े ऐसे स्पोर्ट्स सेंटर तैयार किए जाएँ जहाँ पे युवा हैं उनको ना केवल एक फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल फिटनेस के लिए बल्कि जो खिलाड़ी भी हमारे आगे थे उदयमल खिलाड़ी हैं और जिनका फ्यूचर अभी यंग है उनको भी एक बेसिक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये पहल की गई है। इसके दृष्टिगत आज पूरे मनोहर में जहाँ पे एक मॉडल स्पोर्ट्स सेंटर, ग्रामीण स्पोर्ट्स सेंटर भदोही का तैयार हो रहा है उसका एक निरीक्षण था। उसमें क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव की जा सकती हैं इसका सजेशन भी लिया गया, सुझाव लिए गए जो जनमानस यहाँ पर मौजूद था और इसी के कमोबेश यही मॉडल रखते हुए पूरे जनपद में ये खेलकूद मैदान स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जाएंगे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।